32, 33, 34, 35। दोस्तों हम लोग आ गए हैं पोखर, ये आदित्य अभी पानी है इसमें से निकालेंगे, फिर चलेंगे पेड़ के पास ले जाने के लिए, पेड़ में डालने के लिए पानी को। तो आदित्य अभी पानी भरेंगे। ये पोखर है, यहाँ पे छठ पूजा वगैरह भी सब कुछ होता है यहाँ पे। अभी तो ये फिलहाल में गंदा फैला हुआ है, जितना गंदा आता नहीं है ये, यहाँ पे सफाई होना भी बाकी है। तो दोस्तों आदित्य अभी पानी डाल रहे हैं, पानी डालने के बाद हम लोग चलेंगे घर पे, तो आपको पानी डालते हुए फोटो। हेलो गाइज, तो गाइज आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग आए हैं जो कल 50 पेड़ हम लोग लगाए थे उसमें पानी डालने के लिए, और मेरे साथ तो आदित्य आई है, और आज एक लड़के और आए हैं मेरा दोस्त, वो बिट्टू। आ जा बिट्टू। तो दोस्तों हम लोग आज आए हैं 50 पेड़ जो कल लगाए उसमें पानी डालने के लिए, तो आज पानी डालते हैं और दिखाते हैं आप लोग कि पेड़ कितने कैसे हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग आज कर रहे हैं उस पेड़ में, कितने मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वो सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो अब लोग हम लोग चलते हैं अभी पानी लाने के लिए, यहाँ पे पोखर है, उस पोखर से हम लोग पानी लेंगे फिर पेड़ में डालेंगे। तो हम आदित्य के पास ये जर्किन है, आदित्य इसी जर्किन में लाना पानी। हाँ इसी में लाना है। तो चलते देखते हैं पानी लाते हैं, कितना पानी लग रहा है उसमें डालने में, कितना जर्किन हम लोग को लाने पड़ेगा, आपको सब कुछ दिखाते हैं। मैं फर्स्ट अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं पोखर, ये आदित्य अभी पानी है इसमें से निकालेंगे, फिर चलेंगे पेड़ के पास ले जाने के लिए, पेड़ में डालने के लिए पानी को। तो आदित्य अभी पानी भरेंगे। ये पोखर है, यहाँ पे छठ पूजा वगैरह भी सब कुछ होता है यहाँ पे। अभी तो ये फिलहाल में गंदा फैला हुआ है, जितना गंदा आता नहीं है ये, यहाँ पे सफाई होना भी बाकी है। आदित्य ये कितना गड्ढा होगा पानी पोखर, यानी समथिंग समथिंग 15 से 20 फीट ये गड्ढा होगा। तो दोस्तों ये जो पोखर है इसके बीच में जो है 15 से 20 फीट की गहराई है। हम लोग ये पानी भर लिया, अब चल रहे हैं हम लोग खेत के पास। तो दोस्तों अभी एक दोस्त और जा रहा था मेरा, ये इसका नाम तो हालांकि हम लोग जीरो बोलते हैं, इसका नाम जो भी हो पता नहीं पूरा रियल नाम है, साइकिल पे पानी ले जा रहा है। इतने में कितने आप कैन लगेंगे और पानी, तीन कैन और पानी डालेंगे तो हम लोग का 50 पेड़ में पानी पड़ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं हम लोग पेड़ में कैसे पानी डाले हैं, और पेड़ को भी आपको दिखाते हैं पेड़ भी कैसा दिख लग रहा है। कल लगाए थे हम लोग तो कोई चेंजिंग ज्यादा हुआ नहीं होगा, तो हम लोग देखते हैं पेड़ को और बताते हैं आपको भी पेड़ का। तो दोस्तों हम लोग की तरफ जो है अक्सर खेती जो है गन्ने का होता है, तो यहाँ पे गन्ने का जो फसल बहुत ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। यहाँ पे जिधर भी आप देख लो सारे तरफ कुछ गन्ना ही मिलेगा, और कई बहुत ही कम ऐसा जो है फसल यहाँ पे जो उपजाया जाता है, इसमें गन्ना के बाद मक्का और थोड़ा बहुत गेहूँ, ये तीन जो फसल है ये हमारे गांव में जो है बहुत ज़्यादा उपज होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो गन्ने की होती है, क्योंकि हमारे जो घर से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे चल के चीनी मिल है, जिसका मगध चीनी मिल नाम है ना, तो मगध चीनी मिल किस नाम से जो हसनपुर में चीनी मिल है, इस वजह जो है यहाँ पे मेरे गांव में जो सबसे ज़्यादा खेती जो होता है वो गन्ने का होता है। आदित्य भी पानी लेके आ रहा है, आदित्य हाथ भी दर्द हो रहा है, हाँ तो इसका दर्द हो रहा है, इतना मेहनत करा के ऊपर नीचे से ऊपर पानी ला रहा है, फिर इसके बाद इस साइकिल पर डालेगा और इस साइकिल द्वारा ले जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं अभी खेत में, और पेड़ आपको भी अभी पेड़ भी दिखाते हैं आपको हम लोग कितने पेड़ पानी डाले और कितने पेड़ बचे हुए हैं, और पेड़ कल जो लगाया अब कैसा दिख रहा है। मेरे गाँव में जो है हर एक खेत में आपको कुछ मिले ना मिले पेड़ जरूर मिलेगा। हम लोगों के गाँव में जागरूकता है कि ये जो हवा में इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह जो इतना मतलब बीमारी वगैरह फैल रहा है, उस बात हम लोग गांव में जागरूकता है कि सरकार द्वारा मुहिम जो चला रहा है, सरकार भी पेड़ दे रहे हैं लगाने के लिए, तो हम लोग गांव में भी जो है पेड़ लग रहा है अभी। तो दोस्तों हम लोग आ गए अब खेत में, आपको दिखाते हैं कल जो पेड़ लगाए थे पेड़ कैसा है अब, और हम लोग पानी भी डाल रहे हैं इस पेड़ में। जीरो दो मिनट रुकना, फिर चलते हैं हम लोग भी। आइए आइए हम लोग अब दिखाते हैं आपको पेड़, ये पेड़ है एक, ये है और एक वो रहा, तीन पेड़ तो यहाँ लगा हुआ है, और आगे आपको दिखाते, चलिए अंदर चलते हैं। ये एक पेड़ है यहाँ पे भी, तो चार पेड़ हो गया मेरा, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, 8 ये हो गया, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, 10 पेड़ यहाँ हो गया, और आपको आप देख सकते हैं 11, 12,
आदित्य और कहाँ पे ये रहा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 पेड़ यहाँ हो गया, एक ये हो गया 26, एक ये हो गया 27। तो दोस्तों हम लोग इस एरिया में 27 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। 28 पेड़ है, एक 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो अभी तक यहाँ 36 हुआ है और आगे भी लगा रखे हैं। आगे आपको ले चलते हैं अंदर। सैंतीस यहाँ हुआ और भी आगे 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो टोटल 45 पेड़ अभी यहाँ मिला है और 5 पेड़ आगे उधर लगा रखे हैं, तो उधर भी ले चलते हैं आपको 5 पेड़ और दिखाने के लिए। एक पेड़ ये रहा 46। तो दोस्तों 4 पेड़ यहाँ है, 47, 48, 49 और ये के रहा 50। तो मेरे टोटल 50 पेड़ पूरा हो गए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, आदित्य पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद हम लोग चलेंगे घर पे। तो आपको पानी डालते हुए फोटो वीडियो साथ नहीं दिखाए थे, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं पानी कैसे इसमें पड़ रहा है, कितना क्वांटिटी में पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जीरो है, इसका नाम अभिषेक है, ये खाना दे के भी आ चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं पानी डालने के लिए, फिश लेने के लिए। टोटल अभी तक हम 12 कैन पानी ले आ चुके हैं। एक कैन और लगेगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा 50 पेड़ में। ये अपने लेबर को खाना दे के आ गया है, जो लेबर इसके खेत में भी काम, अभी तुम्हारे खेत में काम का हो रहा है ना अभिषेक? अच्छा, इसके बगान में जो है पेड़ सूख गया है, उसको काटा जा रहा है। तो दोस्तों ये मेरा आखिरी पेड़ है पानी डालने के लिए, सागवान पेड़ है। ये जो पेड़ लगाए थे 50 पेड़, वो पेड़ नहीं है, वो अलग है उससे। इस पेड़ में पानी डाल रहे हैं हम लोग। कैसा लगा वीडियो? पानी डाल दिया हम लोग, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों